मैगी वो मेरी फेवरेट है सुबह के चार बज रहे हैं और ये आ रही हमारी टी तीन पीस ये डालो दुनिया का सबसे बड़ा करंसी या फिर हमारी मजबूरी बोल लो यहाँ की जो बिल्ली होती है ना वो यार बहुत अच्छी होती है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोत आज है रोज़ा नंबर 18 और टाइम हुआ है सुबह के 3:24 ये ऐसा पहली बार होगा जब मैं किसी ब्लॉग को इतनी सुबह सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी वजह यह है कि आज मेरा प्लान ये है कि आज के इस ब्लॉग में यहाँ पर हम लोग कोत में कैसे रहते हैं रमज़ान के महीने में हमारी जो डेली रूटीन रहती है डेली लाइफ जो होती है वो कैसी रहती है वो मेरा प्लान है आज के इस व्लाग में दिखाने का तो so, आज का हमारा जो ब्लॉग है वो शहरी से स्टार्ट होगा और इफ्तार तक चलेगा इस दरमियान जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं अपने कैमरे में कैद करूँगा सो so, देखते हैं आज का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है जो भी होगा वो सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊँगा ओके सो so, चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस ब्लॉग को ओके okay? तो आज की जो हमारी सहरी है वो ये मैगी होने वाली है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह सहरी के टाइम में मैंने मैगी क्यों बनाई कुछ और क्यों नहीं बनाया तो उसके दो रीज़न हैं पहला रीज़न तो ये है कि मैगी वो मेरी फेवरेट है दूसरी बात इसको बनाना बहुत ही इजी है इसको इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दस मिनट के अंदर आप इसको बना करके रेडी कर सकते हो तो पहले हम इस मैगी को निपटाते हैं उसके बाद में फिर हम आपसे मिलते हैं ओके okay? तो अभी टाइम हो चुका थ्री फिफ्टी फाइव यानी थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास इस थोड़े से टाइम में मैं सोच रहा हूँ नीचे जा कर के एक कॉफ़ी पी लेता हूँ क्योंकि कॉफ़ी पीने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे एक बकाला है किराने की दुकान है तो वहाँ पर कॉफ़ी मशीन है तो वहाँ से हम चलते हैं और कॉफ़ी लेते हैं चल के ओके ये रही हमारी लिफ्ट अभी है सेवन फ्लोर पे हम लोग और हमें जाना है नीचे एकदम डाउन में ये रहा हमारा पार्टनर है मेरी वजह से आज ब्लॉग बनाने के चक्कर में इसको भी आज आजा पड़ा यहाँ पर अभी सुबह के चार बज रहे हैं और सारा कुछ मार्केट यहाँ पर बंद है यहाँ पर जो नेस्टो है वो भी बंद है तो देखते हैं यहाँ पर बकाला जो किराने की दुकान होती है वो खुली है कि नहीं खुली है ओके जी तो ये है वो मशीन जिसकी मैं बात कर रहा था तो इसमें लाइन से लिखा हुआ है आ, मिल्क कॉफ़ी जिंजर टी आ, सब जिस टाइप की आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और ये मेरे हाथ में जो हंड्रेड फ्लेस ना इसको ये जो कोइंस है ना ये कोइंस यहाँ पर डालना पड़ता है ये इसमें हमने डाल दिया उसके बाद में जो भी मिल्क टी चाहिए हमने इसको लिया है तो मिल्क कॉफ़ी का मैंने दिया है और इसके नीचे वो कफ़ आ गया है और ये आ रही हमारी टी जैसे ये फुल होगा उसके बाद में एक मशीन में आवाज़ आएगी उसको ले फिर उसके बाद में इसको कप को निकाल लेना है तो अभी आवाज़ आने वाली है ये आवाज़ आ गई ओके इसका मतलब फुल हो गया तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे बाहर तो इसको हम अभी निपटाते हैं उसके बाद में फिर हम आपसे मिलते हैं ओके गए सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में वापस और अब मैं थोड़ा सा मुझे मेरे पास टाइम है तो मैं वापस फिर से सोने जा रहा हूँ उसके बाद में छः बजे मुझे उठना है क्योंकि सेवन ओ क्लाक मेरी ड्यूटी है तो सेवन टू थ्री मेरी ड्यूटी होगी एट आवर्स की उसके बाद में जब मैं वापस आऊँगा ड्यूटी से उसके बाद में हमारी जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू होगी और वो फिर अवतार के टाइम तक चलेगी ओके ओके गाय okay so अभी तक जो मैंने आपको वीडियो दिखाया जो कुछ भी मैंने दिखाया वो शहरी के टाइम तक का था अभी हो चुकी है यहाँ पर शाम चार के ऊपर टाइम हो चुका है क्योंकि मैं गया था ड्यूटी सुबह में और उसके बाद में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया हूँ और नहा धोकर के अभी फ्रेश हो चुका हूँ अभी हम जाएँगे बाहर और बाहर जाने के बाद में हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे अफ्तारी के लिए अफतार के लिए और मेरा प्लान है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पास में एक सी साइड है वहाँ पर आज रोज़ा अफ्तार करने का प्लान है मेरा देखते हैं इसको हम हकीकत हाँ में तब्दील कर पाते कि नहीं सो तो चलो चलते हैं अभी यहाँ से हम बाहर ओके तो ये रहा वो नेस्टो मार्केट जो अभी हमने आपको सुबह में दिखाया था ना वही ये जगह है अभी यहाँ पर दिन है तो सब कुछ जो है एकदम साफ दिख रहा है सुबह में इतना क्लियर नहीं था क्योंकि अंधेरा था तो अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे और अभी आज का जो रोज़ा अफ्तार है ना उसमें मेरे साथ में मेरा जो फ्रेंड सुमित है वो होने वाला है और एक और दोस्त हैं वो आने के लिए बोला है उन्होंने तो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं तो हम दो लोग ही रोज़ा अफ्तार करेंगे सी साइड पे सो चलो चलते हैं अभी हम मार्केट की ओर अफतारी लेने के लिए यहाँ पर कोवैत में जब से मैं रह रहा हूँ तब से आज तक मैंने कभी भी यहाँ पर अफ्तारी जो है ना रेडीमेड कभी भी नहीं ख़रीदी है बाहर तो देखते हैं यहाँ पर अफतारी कैसी क्या मिलती महंगी मिलती है सस्ती मिलती है क्योंकि हमेशा मैंने रूम में ही रोजा अफतार किया ज्यादातर बाहर बहुत ही कम किया तो देखते हैं अभी अफतारी जो है वो महंगी मिलती है सस्ती दादा कैसे क्या दिया ये भजिया कैसे दिया वो या, एस, दिल्णावास्ति 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 एक पीस पीस का है अरे वाह क्या बात है दादा ये हमको पकौड़ी दो अरे जल्दी कर वो दादा तीन पीस ये डालो फिफ्टी पीस का एक है एक आ तीन पीस ये भी डालो अच्छा वाला ओके सो okay, so, अभी हम लोगों ने ये भजिया और ये आ, थोड़ा स्वीट लिया था उसके बाद में अभी हमने ये थोड़ा सा ये अंगूर लिए हैं, और उसके बाद में कुछ ये केले लिए हैं बनाना तो ये सब थोड़ा काफ़ी महंगा हो गया तो इसका पूरा टोटल करके मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा सो तो अभी हमारी जो अफ्तारी है वो इतनी सारी रफ्तारी हो चुकी है और सुमित भी अपने हाथ में थोड़ा भजिया जया पकड़ के रखा है और अभी हम यहाँ पर लेने आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंकेट बेड लेनी है मुझे अपनी बेड के लिए तो यहाँ पर अभी हम एक बेड लेंगे और इसी को हम यूज़ करेंगे सी साइड पर बिछाने के लिए तो ये यहाँ पर कुछ बेडशीट लगी हुई जिनमें से अभी एक पीस मुझे लेना है और इसका प्राइस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वन के डी सेवन हंड्रेड फिफ्टी फीस इसका प्राइस है ओके तो ये बेडशीट अभी मुझे दो तीन पसंद आई थी तो उसमें से हमने ये इसको पसंद किया है इसका पेमेंट करेंगे उसके बाद में हम चलेंगे यहाँ से बाहर ओके ये लो देखो ये ये है कुवैत का दिनार दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी गाइस hey तो so अभी हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने वाले हैं सी साइड के पास ये जो फाइल की सी साइड है ना वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं और सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है अफ्तारी का तो अभी हम आपको दिखाएंगे और एक चीज़ यहाँ पर ये यह बता दूँ कि जो यार हमने रेडीमेड जो अफ्तारी ली ना भजिया और ये जो स्पाइसी चीज़ें वो यार काफ़ी महंगी थी मेरे हिसाब से दूसरों के हिसाब से मैं नहीं बता सकता मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगी थी वो सारी चीज़ें अभी आपको मैं दिखाऊँगा आगे जब मैं यहाँ पर निकालूँगा ना तब मैं उनके प्राइस भी बताऊंगा और कितना टोटल हो रहा है मनी कितना हमने स्पेंड किया आज की रफ्तारी में पैसा वो सब भी मैं आगे अभी आपको आग बताऊंगा तो ये है वो सी साइड जहाँ पर अभी हमको रोज़ा अफ्तार करना है ओके गाइस सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ का जो आ, फाइल का जो सी साइड है ना वहाँ पर हम लोग चुके हैं लोकेशन भी हमें समझ में आ गई जहाँ पर हमें अफ्तारी करनी है तो वो एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने ब्लैंकेट ली थी ना तो वो मैं आपको दिखाता हूँ उसको मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ ये हमने जो देखो बेडशीट ली ना तो हमारे पास अभी कुछ यहाँ पर बिछाने के लिए कुछ है नहीं ये रखी है हमारी अफ्तारी तो अभी हम यहाँ पर जो बेडशीट हमने ली है ना इसको तो इसको हम यहीं पर बिछाएंगे उसके बाद में सारी अफ्तारी यहीं पर अभी हम सजाएँगे तो so, इसको अब हम लोग इंडियन है तो इंडिया में अपना एक बोलते हैं ना जुगाड़ इंडियन आदमी जहाँ भी जाता है जुगाड़ बना लेता है तो इसको यार हमारे पास बिछाने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसको यार चाहे जुगाड़ बोल लो या फिर हमारी मजबूरी बोल लो जो भी बोल लो तो अभी हम इसको बिछाते हैं उसके बाद में सारा सीन आपको दिखाते हैं ओके सो so, भाई लोग ये देखो अभी हमारी जो ब्लैंकेट थी ना बेड वो हमने इसको खोल करके बिछा दिया और ये इसका जो पिलो कवर होता है ना ये पिलो कवर है और इसके अंदर में एक आ, कार्टून टाइप का कुछ निकला है ये तो ये इसको हमने साइड में कर दिया और वो रही हमारी सारी रफ्तारी इसको हम वन बाय वन सारा अभी यहाँ पर सजाएंगे उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं ओके गाइस सो फाइनली हमारी जो अफ्तारी थी वो हमने सजा दी है और एक एक करके सारे में जो जो हमने रेडीमेड जो अफ्तारी यहाँ बाहर मिलती ना कुवैत में उसके सबके मैं एक एक करके आपको प्राइस बताऊंगा उसके बाद में टोटल कितना बनना है वो सारा प्राइस मैं आपको बताऊंगा ओके okay? ये रहा यहाँ पर सी साइड फाइल का और ये रही हमारी अफ्तारी और इसी के जस्ट बगल में हम लोग को वो रही सामने मस्जिद जहाँ पर अभी हम जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे अवतार करने के बाद में तो इसके जो प्राइस हैं हमने जो लिया ना ये बैगन की भजिया मिली है इसको पता नहीं यार क्या बोलते हैं ये बैगन बैगन का होता है इसके अंदर बैगन है तो ये फिफ्टी फील्स का एक पीस मिला यानी तीन पीस हमने ये लिए उसके साथ में ये भजिया मिली हैं ये शायद पालक की हैं तो ये भी एक पीस जो है पचास फिल्स का मिला है यानी फिफ्टी फील्स का और सेम वही चीज़ ये भी है इसके अंदर पटाटो होता ना आलू तो उसकी ये भजिया टाइप की है तो इसका अभी वही प्राइस है सेम फिफ्टी फिल्स का तो ये तीन तीन पीस हमने लिए उसके साथ में ये चने हैं चने का हमने जो प्राइस पूछा था वहाँ पर तो ये रूबा का दिया है चना और उसके साथ में ये जलेबी के दो पीस हमने लिए ये वन हंड्रेड फिफ्टी फिल्स का है और उसके साथ में ग्रैप्स लिए यहाँ पर अंगूर हमने और ये थोड़े से बनाना लिए केले तो ये जो टोटल बिल हमारा जो बना है टू के डी वन हंड्रेड थर्टी फिल्स का बना हुआ है और वो देखो हमारी अवतार के सामने ही जो है वो पास में घूम रही बिल्ली यहाँ कैट यहाँ की जो बिल्ली होती है ना वो यार बहुत अच्छी होती है इंडिया की बिल्ली होती है ना उनको यार थोड़ा सा भी अगर उनके पास जाओगे ना तो दो किलोमीटर दूर भाग जाते हैं लेकिन यहाँ की जो बिल्ली होती है ना कैट इनको कितना भी आप पकड़ के सहलाओगे खेलोगे इनके साथ में कुछ भी नहीं करते लोग भागते नहीं हैं तो अभी हम लोग रोज़ा अफतार करेंगे और धीरे धीरे जो सूरज है ना वो भी ढलता जा रहा है यानी अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि मगरिब का टाइम आ रहा है आदान का टाइम आ रहा है तो रोज़ा अफ्तार करेंगे उसके बाद में हम जाएंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए उसके बाद में फिर हम आपसे मिलेंगे ओके ओके गाइस तो अभी जो रोज़ा अफ्तार था वो पूरा डन हो चुका है और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं ना इसी मस्जिद में मैं गया था ये मस्जिद यहाँ का जो फाइल बीच है ना उसी के जस्ट सामने है और ये मस्जिद यार मैं जब अभी अंदर गया था इसमें मैं पहले भी एक बार नमाज़ पढ़ चुका हूँ तो इसके अंदर का यार जो सीन है ना वो एक नंबर का बनाया हुआ है जो अभी मैंने थोड़ा बहुत शूट भी किया था और वहाँ पर मैंने ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो बस थोड़ा बस थोड़ा सा मैंने शूट किया था उसको तो मस्जिद यार ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाया तो फ़िलहाल आज का हमारा जो व्लॉग था मेरा सुबह से ही प्लानिंग था जब मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया था कि आज का व्लॉग में जो हम रोज़ा इफ्तार करेंगे यहाँ पर सी साइड में करेंगे तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया फिलहाल अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे यार कमेंट करके ज़रूर बताना चैनल पर अगर आप आग मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना ताकि मेरा कोई भी नया व्लॉग आए तो उसको उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग